अवैध बनी है, अवैध गतिविधियां उसके बाद कार्रवाई होगी तो आपको लगेगा। मुमताज आलम रिजवी कह रहे हैं कि बनारस में जो मंदिर तोड़ा गया उसके बाद क्यों इस तरीके का माहौल है? एक मिनट, जरा इन्हें बताइए, बनारस का जरा इन्हें बताइए, जरा ज्ञान बताइए, क्या सबूत क्या मिले? जितना भी बात कर रहे हैं यह अंग्रेजी हुकूमत की तरह अंदर से अंदर तोड़ने की बात कर रहे हैं, हिंदुओं के अंदर फूट डालने की बात कर रहे हैं। मुमताज आलम रिजवी वही तो कह रहे पुराने मंदिर मंदिर भी तोड़े गए, कह रहा हूँ कि भाई मूर्ति हुआ है, सूर्य मैथिल जी बताइए इतना हंगामा करने की जरूरत क्या है? यहाँ पर ये कह रहे हैं भाई हमारे नाम पर रिश्वत ले ली जाती है, निर्माण बना दिए जाते हैं अब चाहे वो अवैध हो या वैध हो, और फिर इनको दोषी ठहराया जाता है, क्या आपको वाजिब लगता है इनका तर्क? धन्यवाद प्रियंका जी, पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की वंदे मातरम। और चार लाइनें मुझे याद आ रही हैं मुमताज आलम रिजवी जी के लिए, लहजे में बदजुबानी और चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के बहीखाते बिगड़े हुए हैं बेहिसाब, वही हमसे सारा हिसाब लिए फिरते हैं। अब देखिए ये बात कर रहे हैं कि भैया देखिए सभी जगह अवैध निर्माण है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सनातन सभ्यता सदैव जो है वो स्वीकार करती है हर बदलाव को। आप मुझे बताइए जब काशी का कॉरिडोर बना, जब बनारस का, जब आपका उज्जैन का कॉरिडोर बना, तो वहां पर कई मंदिर ऐसे थे जो कि आजादी नहीं बहुत दो दो तीन तीन सौ साल पुराने मंदिर थे, लेकिन वो तोड़े गए। लेकिन यहां पर जब 74 साल में ये देश इस्लामिक आंशिक इस्लामीकरण की तरफ चला गया, मैं आपको दो उदाहरण देना चाहता हूं, सुनिएगा। आप मुझे बताइए निजामुद्दीन जो रेलवे स्टेशन है उसके अंदर एक मजार बनी हुई है, मैं ये पूछना चाहता हूं कौन मरा था और जिसको गाड़ा था वहां पर आप लोगों ने, कितनी पुरानी बात है। दूसरी चीज आजादपुर का फ्लाईओवर है उसके ऊपर मजार है। अब मुझे ये बताओ भैया कौन सा तुम्हारा फकीर आया वहां गड़ गया उसकी कब्र तुमने बनाई और उसको चादर चढ़ा दी? ये एक लैंड जिहाद है। सुनिए 3000 से ज्यादा मजार है इन्होंने जो बना रखी थी उत्तराखंड के अंदर जिम कार्बेट पार्क में, वो हमारे मुख्यमंत्री ने सुनवाई है। एक सेकंड, कोई भी अतिक्रमण करने का प्रयास नहीं करेगा, यहाँ कब्जा नहीं होगा, मैं बताऊंगी कौन बोलेगा। अब आप बताइए दीपक विज जी एक बात, आप पहले बताइए कि हम चाहे शिमला की बात करें, हम चाहे फिर कुल्लू की बात करें, हम मतलब देख रहे हैं राज्य बदल रहे हैं, जगह बदल रही है, लेकिन अवैध निर्माण का ये जो जाल है, अवैध निर्माण मस्जिद और मजार का जाल, ये फैलता ही जा रहा है, आखिर क्या वजह है इसके पीछे? देखिए आपने बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपने मस्जिद की जगह अवैध अतिक्रमण शब्द को यूज किया जी। देखिए बात किसकी हो रही है, धारावी की अवैध मस्जिद की। किसकी? धारावी की। धारावी क्या है? धारावी अपने आप में पूरी कॉलोनी अवैध है, उसके अंदर जो पूरी कॉलोनी अवैध है उसके अंदर केवल एक आप अवैध मस्जिद को चिन्हित कर रहे हैं। मैं मान गया अभी वहां पे धारावी का आपको बता देता हूँ, लोगों को सबको पता होगा एशिया की सबसे बड़ी वहां पर स्लम एरिया है, धारावी का सबसे बड़ा स्लम एरिया अवैध है। और दूसरा अभी वहां पे जो गवर्नमेंट है, पिछली गवर्नमेंट के टाइम में सर्वे चालू हुआ, अभी भी सर्वे वहां चल रहा है, जैसे ही वो सर्वे खत्म होगा पूरी धारावी को ध्वस्त किया जाएगा और वहां पे पूरे फ्लैट्स वगैरह या इस तरह के धार्मिक स्थल वगैरह सब बनाए जाएंगे। अरे सरकार को क्या जल्दी है, सरकार उस सर्वे को पूरा करे, उसके बाद पूरी धारावी को ध्वस्त करे, नई धारावी बनाए, उसका स्वागत है। सर बीच में देखिए, सर सुनिए जी, देखिए अतिक्रमण यहाँ हो रहा है, देखिए ये हो रहा है, ये जो है अतिक्रमण, ये हो रहा है शो पर कब्जा, कितना बढ़िया, देखिए अंकल मोदी ने कितनी बढ़िया कहा, आप सब बोले मैं कोई बोला, देखिए कितनी, मैं वही कह रहा हूं जो ऑलरेडी अवैध है, जमीन ही अवैध है, सारा अतिक्रमण ही अवैध है, सबको या तो तोड़ा जाए या फिर उसका सर्वे कंप्लीट करें, पूरी धारावी को ध्वस्त करें, धारावी नहीं बने, मैं केवल धारावी की बात कर रहा हूं। ये कंडीशन है धारावी की, एशिया की सबसे बड़ी वहां पर स्लम एरिया है, वहां पर झुग्गियों में लोग रहते हैं, आप चाहते हैं अगर मस्जिद गिरानी है तो सब झुग्गियों के लोगों को वहां से हटाओ, सर्वे का चल रहा है उसमें ध्वस्त करके नया बनाएंगे, ठीक है? नहीं हां नहीं, प्रियंका मेरा नाम है, हाजी नाजिम जी यहां पर आ गए हैं, हाजी नाजिम जी एक सवाल ये बताइए, अब या तो ये ढांचा ऐसा बन दिया, बना दिया जाता है, सड़क पर ये जा रहे हैं, आप मुझे बताइए अगर आपके घर के सामने, आपका घर कहाँ पे है? दिल्ली में, आपके घर के ठीक सामने कोई दीवार खड़ी कर दे, आप उसको लेकर आपत्ति व्यक्त करेंगे या नहीं करेंगे?
आप उसका जीना मुश्किल करेंगे नहीं करेंगे, आप उसको दुनिया भर का कानून का पाठ पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे, जब अपने घर के सामने अगर आप ये बर्दाश्त कर लेंगे तब आप मुझे बताइएगा बाकी चीजों को। हाँ प्रियंका जी, देखिए आपने बहुत अच्छी बात की, तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मुल्क संविधान से चलता है और जिस तरीके से, हाँ सुन लीजिए, हम सभी लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि ये देश को संविधान से ही चलने दें। अभी आपने ये कहा कि अगर आपके घर के सामने कोई दीवार कर देगा, लेकिन यहाँ दीवार की बात नहीं है, यहाँ हमारी आस्था और हमारे मजहब की बात है, मस्जिदों की बात है। भारत के अंदर सिर्फ दो चीज निशाने पे, भारत का मुसलमान और मस्जिद। अभी जिस तरीके से सूर्य में, अरे सुन लीजिए, जिस तरीके से सूर्य महदी जिस तरीके से कह रहे थे, अरे हाजिर नाजिर बोलता है तो आप लोगों के पेटों में दर्द होने लगता है, मिर्ची लगने लगती है, भाई ये कौन सा भाई। अरे सुन लीजिए, लोकतंत्र है, जब आप लोगों को बोलने की आजादी है तो हाजिर नाजिम को भी आजादी मिलनी चाहिए। अभी हम हाजी नाजिम को सुनेंगे ताकि उन्हें पता लगे जो वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जाता नहीं, पूरी बोलने की इजाजत दी जाती है। बोलिए आप, रिपब्लिक भारत को इजाजत दी जाती है। प्रियंका जी, प्रियंका जी सुन लीजिए, प्रियंका जी मैं दिल से रेस्पेक्ट करता हूँ कि आपने इस मुल्क के अंदर हम लोगों को आजादी दी बोलने की, लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते कि हम लोग बोलेंगे, अगर बोलेंगे तो उनके पेटों में दर्द होने लगता है, मिर्चें लगने लगती है। सुन लीजिए, मैं बात पूरी करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि ये बता दीजिए भारत के अंदर क्या मस्जिद है, ये आपको निशाने पड़ेंगे, लेकिन कुछ मंदिर भी है जहां एक पीपल का पेड़ होता है, चारों दीवारी उसकी हों जाने के बाद कब जाकर मंदिर बन जाता है, हम लोगों को कभी आपत्ति नहीं होती है। सामने किसी की दीवार बनी हुई मंजूर करेंगे या नहीं, इसका जवाब दीजिए। ये बता दीजिए वो दीवार संवैधानिक है या बिना संवैधानिक है, यही तो सवाल है। अगर सवाल है, अगर दीवार तो जाहिर सी बात है, आचार्य आपको एक बात प्रियंका जी बताना चाहता हूँ, जहां से मुस्लिम धर्म की शुरुआत हुई, जहां के लोग इनको तो मुसलमान ही नहीं मानते, बस अरे क्यों नहीं मानते, सऊदीया की बात कर रहा हूँ, सऊदीया के लोग गलत बात कर रहे हैं, इस्लाम की पैदाइश भारत से हुई है। प्रियंका जी मेरी बात सुनो, पैदाइश पहले मेरी बात सुनो, नहीं पहले मेरी बात सुनो, अब ठीक है, अब डिबेट कब जाकर, नहीं मैं कुछ कहूंगी, आप मुझे सुनिए, सुनो मैं भारत के अंदर, अरे पहले मेरी बात तो सुनो, एक सेकंड आपको सुनना पड़ेगा पहले मेरी बात। हाजी नाजिम जी एक बात बताइए, यहाँ पर आप डिबेट करने आए, डराने आए सबको, आप डरा रहे हैं, बोलने नहीं दे रहे किसी को, अरे अपनी बात बोल दी, यही तो प्रॉब्लम, हम लोग तो हर वक्त आधा घंटा बोलेंगे फिर निशाने पे, चलती बंदूक के दहाने पे। प्रियंका जी मुझे मुझे नहीं हटा देंगे, ये गलत बात है। हाजी आप एक एक करके पहले आचार्य, पहले प्रियंका जी आपको बता देता हूँ, सऊदीया के अंदर किसी भी प्रकार के मजार को बनाने की इजाजत नहीं है, आप लोगों को पता होना चाहिए, आप जाकर चेक करिए। कमाल की बात करेंगे, या नौटंकी गलत कर रहे हैं आप, ये असंवैधानिक है, असंवैधानिक है, एक सेकंड आचार्य मिश्रा, ये असंवैधानिक है, ये अनैतिक है, आप नैतिकता के आधार पर सबको बोलने दीजिए। आप चाह रहे हैं डिबेट में आए, आपको सब सुनते रहे, ऐसा नहीं होगा ना, आप यहाँ पर अतिक्रमण मत करिए, कब्जा मत करिए, और यहाँ से ये सब नहीं चलेगा। पहले आचार्य राज मिश्रा बोलेंगे। सबसे पहले प्रियंका जी, वहां पर सरकार अपने नियम के अकॉर्डिंग मस्जिद का निर्माण करती है, सरकार वहां नियम, कोई भी इस प्रकार का कोई मजार नहीं बनाया जा सकता।